देखिए डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों हाईवेज हैं. राइट. दीज आर हाईवेज ऑन विच डिजीजेस ट्रैवल टू गेट इफेक्टेड. ये हाईवे तोड़ना पड़ेगा. जब तक ये हाईवे तोड़ेंगे नहीं डिजीजेस होती रहेंगी. सेल भी ठीक है, शुगर भी ठीक है. राइट. द इंसुलिन इज नॉट बीइंग एबल टू गेट दिस शुगर इनसाइड द सेल. सो वी द प्रॉब्लम इज नॉट नीदर ब्लड नॉर शुगर. द प्रॉब्लम इज इंसुलिन. इट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. And how are we treating it? We are treating it with more insulin. How? How? And then we expect cure. How? Right. How? Exactly. Right. So we need to understand this. इसलिए we need to empower the population because अब ये diabetes इतना blast हो गया है, इतने लोगों को हो गया है कि unless we empower the population to take care of themselves. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत बिस्सेन और आपका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है. जैसा आप जानते हैं कि हमने ये नया सीरीज स्टार्ट किया है हेल्थ मंत्रा विद हेल्थ मित्रा. और हमारे इस सीरीज के जो मित्र हैं हेल्थ मित्र वो हैं हमारे डॉक्टर अवधेश पांडे. सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट मी एड डॉक्टर पांडे टू द स्ट्रीम. नमस्कार डॉक्टर साहब. नमस्कार. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अगेन. एंड जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में बात किया था, हम हर एपिसोड में एक नया डिजीज लेके आते हैं और उसका पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं और आप उस पर अपनी राय देते हैं कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं. सो आज हम करते हैं डॉक्टर साहब बात डायबिटीज पे, यानी ब्लड शुगर पे. सो आपको ये, मुझे तो ये अगेन इसको भी अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि पेशेंट को पता नहीं होता कि कितने टाइम से उसको ये शुगर की प्रॉब्लम है. तो थोड़ा इसके बारे में बताएं डॉक्टर साहब, बिकॉज वी वांट योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन दैट. डायबिटीज अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन आर ऑफ टू टाइप्स, टाइप वन एंड टाइप टू. जी मोस्टली 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज, if they have diabetes it is more than 90% is type 2 diabetes. Ji. Which is a big problem for the world today. Type 1 is also diabetes, that is an autoimmune condition, and there is a recent thing called type 3 diabetes. Alzheimer's disease and cognitive dysfunction comes under the preview of type 3 diabetes. They call it type 3 diabetes. Anyway, we'll discuss that later on. We should park our thoughts on type 2 diabetes. Type 2, jab bhi diabetes bola jaye, it is type 2 diabetes unless proved otherwise. Right. But aapne ek badi interesting baat kahi doctor saab, sorry to interrupt you. Type 3 diabetes, even though look, I research a lot and I have looked into like Alzheimer's and everything and the causes. And that's why you know our viewers are so lucky to have you. So आप इसको type 3 में categorize करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे. Sorry to interrupt your thought process. हम करेंगे. देखिए diabetes और blood pressure दोनों highways हैं. Right. These are highways on which diseases travel to get affected. ये highway तोड़ना पड़ेगा. जब तक ये highway तोड़ेंगे नहीं, diseases होती रहेंगी. आप देखिए टाइप 2 डायबिटीज का आपने वेरी राइटली एट द बिगिनिंग यू सेड इट्स अ ब्लड शुगर डिजीज. आई बेग टू डिफर. इट इज नीदर अ ब्लड डिजीज नॉर अ शुगर डिजीज. द प्रॉब्लम हियर इज व्हेनेवर यू ईट द बॉडी फील्स दैट फूड इज कमिंग एंड मोस्ट ऑफ द फूड इज कन्वर्टेड इंटू सिंपल शुगर्स. जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं दे आर कन्वर्टेड इंटू सिंपल शुगर्स. Right. Which first go into the blood and from the blood they are forced into cells, jo ki cells ko jahan jahan requirement hai, because it is energy currency. Right. Okay. Now, to force these into cells, insulin comes from pancreas. Right. Insulin forces this glucose out of the bloodstream into the cell. Yeah. So basically, now what is happening is right.
सेल भी ठीक है, शुगर भी ठीक है, राइट, द इंसुलिन इज नॉट बीइंग एबल टू गेट दिस शुगर इनसाइड द सेल, राइट, सो वी द प्रॉब्लम इज नॉट नीदर ब्लड नॉर शुगर, द प्रॉब्लम इज इंसुलिन. Beautiful, yeah. Very it well is put. Insulin resistance yeah. that we are talking about. And how are we treating it? We are treating it with more insulin. How? How? And then we expect cure. How? Right. How? Exactly right. So we need to understand this. इसलिए we need to empower the population, because अब ये diabetes इतना blast हो गया है, इतने लोगों को हो गया है कि unless we empower the population to take care of themselves, ये सिंपल सी बातें समझाने के लिए, क्योंकि डायबिटीज के लिए ऊपर आप खोले तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूट्यूब्स हैं, मिलियंस एंड मिलियंस, राइट, पेशेंट को कुछ खास समझ में नहीं आता है जी. बहुत से मैंने भी देखे हैं, पेशेंट को समझने वाली बात ये है कि आप कुछ थोड़ा परिवर्तन आपको करना पड़ेगा. मेडिकल साइंस में पेशेंट बहुत आराम से बैठा रहेगा, बाकी सब चीज किया जाएगा, पेशेंट अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा जादू से, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. आपको भी उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, राइट, एंड यू हैव टू गेट एम्पावर्ड, बिकॉज आप अगर ठीक नहीं होंगे तो यही डायबिटीज ऑर्गेन्स को इफेक्ट करने लगता है. आईज सबसे पहले, आदमी ब्लाइंड हो जाता है, किडनीज फेल हो जाती हैं, हार्ट फेल हो जाता है, कार्डियोमायोपैथी कहते हैं उसको, ये सब कुछ डायबिटीज के चलते होता है. जी, एग्जैक्टली. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. यस, एग्जैक्टली. सो इसीलिए जो साइलेंट किलर है, और जो मेन जो मुद्दा अभी आपने उठाया डॉक्टर साहब, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर भी हम और इंसुलिन दे रहे हैं पेशेंट को. प्रॉब्लम जहां पे उसको सॉल्व करने के बजाय हम प्रॉब्लम को सतही तौर पे उसको डील कर रहे हैं, और उसका रीजन जो डॉक्टर जो देखा है, सॉरी एक सेंटेंस और बोलूंगा, ये चीज मैंने बड़े करीब से देखा है यूएस में रहते हुए. दिस होल गेम इज बीइंग प्लेड बाय बिग कंपनीज, बिग फार्मा, बिग इंश्योरेंस, बिग हॉस्पिटल्स. द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट, देखिए डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर की दवाई देता है, शुगर की दवाई देता है, ये कभी नहीं कहता कि आप ठीक हो जाएंगे. वो क्या कहता है कि ये रही दवाई, आपके लिए जिंदगी भर के लिए दवाई है, आपको जिंदगी भर खाना पड़ेगा. मतलब डॉक्टर इंश्योर कर रहा है कि आप कभी ठीक नहीं होंगे. एग्जैक्टली राइट. तो डॉक्टर्स का बहुत ज्यादा दोष मैं नहीं दूंगा, डॉक्टर्स आर वो, उनके मन में हमेशा यही होता है कि मेरा पेशेंट ठीक कैसे हो जाए, राइट. लेकिन जो हम रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, शायद वो ठीक होने वाला रास्ता नहीं है. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज ऑल दीज आर रिवर्सिबल डिजीजेस. एग्जैक्टली. जो ये डायबिटीज इज सपोज टू बी, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, इट्स अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज. आई बेग टू डिफर. प्रोग्रेसिव विद ऑल द टीचर्स दैट हैव टॉट मी, विद ऑल द बुक्स दैट आई हैव रेड, आई बेग टू डिफर. Exactly. This is not a chronic progressive disease. This can be reversed. Right. And the reversal is not very difficult. It's very simple. आप जो भी कर रहे हैं, आप करते रहिए. Problem अगर insulin resistance का है, suppose. जी. तो body को मौका दीजिए कि जो insulin spike आपने अभी-अभी खाना खाया है, तो insulin spike हुआ है. जी. इस insulin spike को die down करने के लिए 7 to 8 hours दीजिए बॉडी को. तो दो फूड्स के बीच में अगर 8 hours का स्पेसिंग कर देंगे, exactly. तो आप देखेंगे आपकी डायबिटीज की मेडिसिन खुद ही बंद हो जाएगी. आप करके देखें. वी कैन एम्पावर द पीपल टू एक्चुअली डू इट. उनको कमजोरी लगेगी. बाय द वे आई विल टेल यू, वन ऑफ माय पेशेंट सेड, मुझे तो बड़ी कमजोरी लगती है. कमजोरी का मतलब ये है कि आपकी मेडिसिन जो है आपको हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर रही है. बॉडी नहीं कॉज करी, बॉडी तो दो दिन में अपने आप को एडजस्ट कर लेती है. लाइक द ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, इफ अ सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज, द सिस्टम एडजस्ट्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू एनल द इफेक्ट ऑफ द चेंज, इज द ली शैटलियर्स प्रिंसिपल. बॉडी वर्क्स एग्जैक्टली लाइक दैट. एग्जैक्टली, या. सो डॉक्टर साहब, अभी आपने बोला हाइपोग्लाइसीमिया, इसका थोड़ा सा बताएंगे क्या होता है, सो दैट कि हमारे लेमैन को समझ में आए.
ब्लड में ग्लूकोज की अगर कमी हो गई तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, और अगर बढ़ गया तो हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। राइट सो इस पे आते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जो हम आपने बताया कि जो ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, बेसिकली इंसुलिन ग्लूकोज लेवल घटाने के लिए होता है, और ग्लूकोज जहां तक मरीज समझे, और इंसुलिन जाके वो सेल्स का एक तरह से चाबी का काम करता है, सेल्स को खोलता है और ग्लूकोज को उसमें सेल्स में चला जाता है ग्लूकोज। प्रॉब्लम ये होती है कि वो चाबी हमारी खराब हो गई है, हम चाबी खराब हो गई तो चाबी को कैसे ठीक करें, उसके बजाय हम और भर रहे हैं इंसुलिन। तो डॉक्टर साहब ये इंसुलिन वाली जो प्रॉब्लम है, इसको आपने कहा कि ठीक है और इंसुलिन देने से प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाएगी, तो हम आते हैं हमारा जो ये अगेन जो मेन चैनल का जो मुद्दा है कि भैया लाइफस्टाइल से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो एक तो आपने बताया डॉक्टर साहब कि 8 घंटे का ब्रेक दें, इसके अलावा और एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर का जो पेशेंट है और क्या क्या कर सकता है डॉक्टर साहब लाइफस्टाइल चेंज या फूड चेंज में प्लीज? आपने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, एक तो चाबी वाली बात बताई आपने, मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट यूलॉजी एनालॉजी दूंगा इसमें। राइट, एक सूटकेस है बिल्कुल खाली है, उसमें आप कपड़े भर रहे हैं जी, आप ये पहले तो जितना मर्जी भरते रहिए, जब पूरा फुल हो जाएगा उसके बाद आप एक ट्राउजर भी नहीं रख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है, पूरा सेल शुगर से भरा हुआ है, हम दिन भर हमारी मुंह बंद नहीं होती, हम दिन भर खाते रहते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हेल्थ भी ठीक रहेगा, ऐसा कैसे होगा? Right. ऐसा कैसे होगा? सो द सेल इज ऑलरेडी फुल ऑफ शुगर, इसमें और शुगर जा नहीं रहा है, इंसुलिन ट्राई कर रहा है लेकिन जा नहीं रहा है जी। और जो हम ये दवा खाते हैं वो ये शुगर को ले जाके लीवर के पास छोड़ देता है, लीवर इसको फैट बना के कहीं ना कहीं फेंक देता है, किसी ऑर्गन में फेंक देता है, अगर और कहीं नहीं मिला तो वेस्ट पे फेंक दिया, तो फिर बेली फैट बियर बेली वो हो गया, ये सब कुछ एक्सेस ऑफ शुगर है। अगर आप 8 घंटे स्पेस कर दें जी, 75-80% लोगों का डायबिटीज की मेडिकेशन बंद हो जाएगी सिर्फ 8 घंटे स्पेसिंग करने पे, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं जी। जो बाकी लोग जो लोग इंसुलिन पे हैं उनका इंसुलिन बंद हो जाएगा, वो ओरल मेडिकेशन पे आ जाएंगे, जो लोग ओरल पे हैं 4 पे हैं वो 2 पे आ जाएंगे, जो 2 पे हैं वो 1 पे आ जाएंगे। अगर उनको उस पे भी कमजोरी लगने लगी, इसका मतलब है कि आप अपना शुगर खुद चेक कर लीजिए, वो नॉर्मल हो गया है, आपको दवा खाने का शौक है क्या? वाओ, दैट इज अ प्रॉब्लम डॉक्टर साहब कि इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मीडिया में जाइए कहीं पे जाइए तो ये बोलते हैं कि शुगर पेशेंट को हर 2 घंटे पे खाते रहना चाहिए, सो दैट की ब्लड शुगर लेवल स्पाइक मतलब एक लेवल पे से चलता रहे बराबर। और आप जो बता रहे हैं और की जी 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 सॉरी बोलिए, मैं किसी और की बात इसलिए नहीं बोलूंगा कि कई लोगों का करियर्स, कई कंपनीज इस पे डिपेंडेंट हैं, इंसुलिन पे कई कंपनीज चलती हैं, इसलिए उनके अपने अपने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। right. लेकिन बेसिकली अगर पेशेंट के मतलब इस पे आया जाए right. तो ब्लड शुगर कंट्रोल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखें फास्टिंग, 8 घंटे फास्टिंग कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। राइट, लोग आजकल 55 इयर्स के ऊपर कोलोनोस्कोपी सबका होता है, इट्स अ रूटीन जी, तो कोलोनोस्कोपी में 24-48 आवर्स फास्टिंग रखते हैं जी, तो यही डायबिटिक लोग कैसे फास्टिंग कर लेते हैं? इसलिए ये मतलब ये सोचने वाली बात है कि हमें 8 घंटे बाद ही फूड मिलना है, और अगर सभी लोग ऐसा करें तो यकीन करके चलें विश्व का फूड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हमें इतना GMOs बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, एक्जेक्टली राइट, नॉर्मल फूड काफी है जी, बिल्कुल। सो डॉक्टर साहब एक तो आपने फूड इंटरवल की बात की, दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, क्योंकि जो फूड हम खा रहे हैं आजकल वो हाईली प्रोसेस्ड फूड, होल मील जो वो नहीं है, वो बहुत बड़ा वो भी एक चीज है डॉक्टर साहब की जो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं उससे हमारे बॉडी में जो केमिकल्स आ रहे हैं, प्लस जितनी जल्दी वो ग्लूकोज रिलीज कर देता बॉडी में, इसका भी बहुत असर पड़ता है, उसके बारे में कुछ बताइए डॉक्टर साहब। यस, जो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी डेंजरस जी, आप कार्बोहाइड्रेट आप देखें ना, ये कहां आप अगर गौर से देखें, हम सीड्स खाते हैं, कभी आपने गौर नहीं किया होगा, चावल क्या है जी, सीड है राइट, दाल क्या है, सीड है,
रोटी क्या है? सीड है, सीड है जी। सीड हैज द पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम अ ट्री, ये हमें पता है राइट, इसलिए हम सीड्स खाते हैं। अंडा भी सीड है बाय द वे, तो हम सीड्स खाते हैं। सीड, जब आपने सीड को बॉईल कर दिया या उसको प्रोसेस कर दिया, अल्ट्रा प्रोसेस कर दिया जी, तो आप ये समझ लीजिए कि वो बहुत जल्दी इट विल गिव आउट द शुगर एंड दिस फूड डज एग्जैक्टली दैट। Exactly. बहुत जल्दी शुगर, सिंपल शुगर्स इतने ज्यादा आ जाते हैं कि बॉडी ओवरवेल्म्ड हो जाती है, द इंसुलिन गेट्स ओवरवेल्म्ड कि इतना शुगर मैं करूंगा क्या। तो हम बहुत ज्यादा भी खा रहे हैं और बहुत ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। Exactly right. So, दो चीजें अभी तक क्लियर होगी डॉक्टर साहब, और तीसरी चीज पे मैं आऊंगा डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज। सो जो ये सेल्स के अंदर जो ये इंसुलिन नहीं घुस पा रहा, उसका एक थर्ड रीजन शायद ये भी है कि उसके अंदर जो सेल्स के अंदर फैट घुस गया है, कि मतलब वो जाम हो गया एक वजह से, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो दो चीजें, एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा वो मेल्ट होके खत्म होगा और आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा कम होगा। वो दो चीजें हैं जी, जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे जी, जो शुगर सेल में भरा हुआ है वो इंस्टेंट एनर्जी में यूज हो जाएगा, तो सेल के पास और जगह आ जाएगा और शुगर लेने का, तो right. आपका ब्लड शुगर ड्रॉप करेगा, बिकॉज इंसुलिन विल बी एबल टू पुश दैट शुगर इनसाइड द सेल। द सेकेंड इज, ये सब कुछ बैलेंस होते हुए भी देखा गया है, कई स्टडीज हैं जिसमें शुगर एंटर नहीं कर पा रहा है सब कुछ करने के बाद भी। सो व्हाट हैपेंस इज, सेल के चारों तरफ एक फैट का लेयर आ गया है जिसके चलते शायद ये एंटर नहीं कर पा रहा है, वो फैट का लेयर आपको हटाना पड़ेगा। एंड दिस इज वेयर The beauty of exercise comes. Right. Exercise ये करेंगे और ज्यादा पानी पिएंगे तो ये फैट का लेवल कम होता हुआ दिखेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, सो दैट डायबिटीज ओवरऑल ठीक हो सकता है। एग्जैक्टली राइट, दैट्स व्हाई डॉक्टर साहब मैं वीडियोस में हमेशा ये एटलीस्ट प्रमोट करता हूँ, कुछ नहीं कर सकते एक्सरसाइज तो हाफ एन आवर वॉक कर सकते हैं, वॉक से भी काफी असर पड़ता है। और आप तो खुद ही बताएंगे कि आपके पिताजी की उम्र क्या इज, ना लेट 80s नाउ, ही इज 87 नाउ एंड ही रन्स फॉर 5 किलोमीटर्स एवरी डे, आई मेक हिम रन, आई रन फॉर 10 किलोमीटर्स मायसेल्फ। वाओ, दैट्स व्हाई डॉक्टर साहब आपके पूरा एपिसोड कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कि ये पूरा आपके लाइफस्टाइल पे जाएंगे और देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, तीन चार चीजें मेन हो गई हैं जो आपने जो बात बताई है अगेन कि भाई रिवर्सिबल है, और द प्रॉब्लम इज कि द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स नॉट टू क्योर द दिस डायबिटीज बट इसको बस लाइफ लॉन्ग चलाने के लिए। तो आपने जो बातें बताई बहुत अच्छी बताई डॉक्टर साहब, कुछ और इसमें आप इंपॉर्टेंट चीज कोई ऐड करना चाहेंगे इस शुगर के बारे में, डायबिटीज के बारे में? टाइप 1 और टाइप 3 रह जाता है ये। टाइप 1 इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, इट इज इंसुलिन डेफिशिएंसी, तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा इंसुलिन से, क्योंकि अभी हमारे पास एट दिस पॉइंट इन टाइम और कुछ भी उपाय नहीं है उसका, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि यस, अगर ऑटो इम्यून डिजीज हम रिवर्स कर पाए जी, विच इज सपोज टू बी एन इनक्योरेबल डिजीज, तो वो ऑटो इम्यून डिजीज पे हम जब एक एपिसोड करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट इट। ऑटो इम्यून डिजीज भी रिवर्स की जा सकती है, उसके बहुत दूसरे तरीके हैं, बट अभी एट दिस पॉइंट टाइप 1 डायबिटीज के लिए इंसुलिन लेना पड़ेगा और तभी जाके वो जो भी खाते हैं वो शुगर सेल में जाएगा, अदरवाइज दीज पीपल विल डाई ऑफ स्टार्वेशन अगर इंसुलिन नहीं लेगा। तो इंसुलिन लाइफ सेविंग है इसके लिए। दूसरा ये है टाइप 3 डायबिटीज जो है, जो अल्जाइमर्स डिजीज, एक बहुत बड़ा डिजीज है अमेरिका में, तो खैर एवरी थर्ड इंडिविजुअल सम फॉर्म ऑफ और द अदर में अल्जाइमर्स है उसको जी, बिल्कुल। सो दिस इज द सेम थिंग व्हाट इज हैपनिंग देयर आल्सो, फैट से सारा कुछ ढका हुआ है, द ग्लूकोज इज नॉट एबल टू एंटर जी, उसका भी वही उपाय है जो ये उपाय है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंसुलिन को आप स्पाइक करने से बंद करिए। एक और चीज जो मैं भूल गया आपको बताना, राइट राइट,
लोग ये पूछ सकते हैं आपसे कि अगर हमारा इंसुलिन ज्यादा ही है तो क्या हुआ उससे? डॉक्टर साहब का एंगल थोड़ा चेंज हो गया वो कैमरा का। हाँ, अगर आप अगर हमारा इंसुलिन ज्यादा भी है तो क्या हुआ उससे? जी, उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे? एक बात याद रखिए, इंसुलिन सिर्फ ग्लूकोज को सेल में नहीं लेके जाता है, इंसुलिन में ग्रोथ फैक्टर है। right. आप ग्रो करने लगते हैं, अगर ट्यूमर है तो वो भी ग्रो करेगा, आपका बॉडी भी ग्रो करेगा, इट वर्क्स एज अ ग्रोथ फैक्टर। तो जैसे जैसे इंसुलिन ब्लड में बढ़ता जाएगा, अगर ट्यूमर है तो वो भी बढ़ता जाएगा, डिजीजेस इंफेक्शन है तो वो भी बढ़ती जाएंगी। इंसुलिन एक्ट्स एज अ ग्रोथ फैक्टर, उसको प्रिवेंट करना जरूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा लोगों का फेस बहुत बड़ा हो जाता है। राइट, अमूमन आप उनका इंसुलिन करा के देखें, उनका इंसुलिन ज्यादा होगा, बिकॉज इंसुलिन आपकी नॉर्मल हाइट वर्टिकल ग्रोथ तो नहीं करा सकता, लेकिन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराएगा। दैट इज व्हाई पीपल बिकम फैट। राइट, ठीक है डॉक्टर साहब, सो थैंक यू। आज के एपिसोड में मुझे लगता है कि इतना बहुत हमारे दर्शकों के लिए। आप जो नॉलेज बॉम्ब गिराते हैं कि सिंपल सा आपने बातें बताई हैं, एंड इट इज वेरी मच कि भी रिवर्सिबल है, और आप बिल्कुल बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, हो सकता है। सो इसको हम आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर साहब, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मिलेंगे। के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। सो दोस्तों, देखा आपने डॉक्टर पांडे ने कितनी अच्छी जानकारी हमें दी कि ये डायबिटीज रिवर्सिबल है, और सिंपल चीजों से जैसे फास्टिंग करना, हजारों सालों से व्रत रखा जाता है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था जो हमारे पूर्वज करते थे। सो ऐसी और कितनी सारी बातें हम और बातें करेंगे, और बहुत सारी डिजीज और हम कवर करेंगे, और आप देखेंगे कि आपकी आंखों पे जो पर्दा बांध रख, जो पट्टी बांध रखी, वो धीरे धीरे खुलती जाएगी। जो पावर है वो आपके हाथ में है, इस अपने हाथ में पावर लीजिए और अपने सेहत को मजबूत करिए। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आप कमेंट करिए कि आप किस डिजीज के बारे में डॉक्टर पांडे से बात करना चाहते हैं, और ये भी कमेंट करिए अगर कुछ आपका क्वेश्चन है डॉक्टर पांडे के लिए, तो जरूर मैं सारे क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूंगा और डिजीजों को भी डिस्कस करेंगे। सो अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू।